करेंगे अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें कि राज्यसभा चुनाव से इस वक्त की बड़ी खबर है, राज्यसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजस्थान में राज्यसभा चुनाव और राजस्थान की 4 सीटों पर चुनाव की तारीखों का ऐलान। तो बता दें आपको कि 10 जून को राज्यसभा की 4 सीटों पर मतदान किया जाएगा और 31 मई को होंगे नामांकन पत्र दाखिल। तो नामांकन पत्र 31 मई को दाखिल किए जाएंगे, 1 जून को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। और ये एक बड़ी खबर आपको बता रही है, राजस्थान में राज्यसभा चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर जिसको लेकर तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। तो राजस्थान की 4 सीटों पर चुनाव होने हैं और अब उनको लेकर तारीखों का ऐलान। बता दें आपको कि 4 सीटों पर जो चुनाव होना है उसको लेकर नामांकन की जो तारीख है वो 31 मई है। और साथ ही आपको बता दें कि 31 मई को नामांकन किया जाएगा, 10 जून को राज्यसभा की 4 सीटों पर मतदान किया जाएगा। तो 31 मई को नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे और इसके साथ ही 1 जून को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। और आपको बता दें कि 10 जून को चुनाव किए जाएंगे, यानी कि चुनाव होंगे, यानी कि जो 4 सीटें हैं उनको लेकर जो तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। राज्यसभा की 4 सीटें जिन पर चुनाव होना था और चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। बता दें आपको कि 10 जून को राज्यसभा की 4 सीटों पर मतदान किया जाएगा और 31 मई को नामांकन पत्र दाखिल किया जाएगा। नामांकन की जो तारीख है वो 31 मई है, 1 जून को नामांकन पत्रों की जाँच की जाएगी। दिनेश रांगे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए ज्यादा जानकारी के साथ। दिनेश, राज्यसभा के चुनावों को लेकर तारीख का ऐलान कर दिया गया है, क्या कुछ जानकारी? जी देखिए, राजस्थान में 4 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होने हैं और निर्वाचन आयोग ने चुनाव कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। नामांकन पत्र दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 मई होगी और उसके बाद अगले दिन नामांकन पत्रों की जाँच होगी और 3 जून तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकेंगे और उसके बाद 10 जून शुक्रवार को मतदान होगा और सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक ये मतदान होगा और उसी दिन परिणाम आ जाएंगे और शाम 5 बजे से जो मतों की गिनती है वो शुरू हो जाएगी। इस तरह पूरी चुनाव जो प्रक्रिया है 13 जून को समाप्त हो जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर, जून माह में राज्यसभा की खाली हो रही 4 सीटों पर राज्यसभा चुनाव होंगे। बिल्कुल, चलिए दिनेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें आपको कि 4 सीटें जिन पर चुनाव होना है और इन 4 सीटों पर जो चुनाव है वो 10 जून को होगा। बता दें कि नामांकन की जो तारीख है वो 31 मई है और 10 जून को चुनाव की प्रक्रिया की जाएगी और उसी दिन परिणाम भी घोषित कर दिया जाएगा। तो 10 जून को राज्यसभा की 4 सीटों पर चुनाव होगा, 31 मई को नामांकन पत्र दाखिल होंगे और 1 जून को नामांकन पत्रों की जाँच की जाएगी और उसके बाद 10 जून को इन सीटों पर चुनाव होंगे और 10 तारीख को ही, यानी कि 10 जून को ही यहां पर परिणामों की घोषणा भी कर दी जाएगी। तो राजस्थान में राज्यसभा चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर, जो 4 सीटें खाली हैं उनको लेकर चुनाव की जो तारीखें हैं उनका ऐलान कर दिया गया है। 10 जून को राज्यसभा की 4 सीटों पर मतदान किया जाएगा, 31 मई को नामांकन पत्र दाखिल किया जाएगा और 1 जून को नामांकन पत्रों की जाँच की जाएगी। तो 3 जून तक नाम वापस ले सकेंगे उम्मीदवार। तो बता दें आपको कि 3 सीट कांग्रेस और 1 सीट भाजपा को मिलनी है और कांग्रेस से गुलाम नबी आजाद, रणदीप सुरजेवाला, एमएल लाठर और भंवर जितेंद्र सिंह उम्मीदवार हो सकते हैं। राजस्थान में राज्यसभा चुनाव से जुड़ी ये बड़ी जानकारी आपको दे रही है। 4 सीट जिन पर चुनाव होना है उन पर तारीखों का ऐलान हो चुका है कि आखिर कब चुनाव होगा, कब मतदान होगा। तो आपको बता दें कि 31 मई को नामांकन होगा और 1 जून को नामांकन पत्रों की जांच होगी। इसके बाद कांग्रेस की तरफ से अगर बात करें तो गुलाम नबी आजाद, रणदीप सुरजेवाला, एमएल लाठर और भंवर जितेंद्र सिंह उम्मीदवार हो सकते हैं इन 4 सीटों को लेकर। तो 3 सीट कांग्रेस की और 1 सीट भाजपा को मिल सकती है। राजस्थान में राज्यसभा चुनावों को लेकर अगर बात की जाए यहाँ पर चुनाव की तारीखों की तो वो 10 जून को मतदान किए जाएंगे। बता दें आपको कि 3 जून तक जो उम्मीदवार हैं वो अपना नाम वापस भी ले सकेंगे। तो 31 मई को नामांकन पत्र दाखिल होगा,
एक जून को नामांकन पत्रों की जांच होगी और इसके साथ ही 3 जून को उम्मीदवार अपना नाम वापस भी ले सकते हैं और 10 जून को मतदान होगा। तो 3 सीट कांग्रेस को और 1 भाजपा को मिल सकती है। एमएल लाठर, भंवर, जितेंद्र सिंह और साथ में आपको बता दें कि रणदीप सुरजेवाला, ये वो लोग हैं जो कि इन राज्यसभा चुनावों की सीटों पर उम्मीदवार हो सकते हैं कांग्रेस की तरफ से। तो 3 जून तक नाम वापस ले सकेंगे उम्मीदवार और नामांकन जो होंगे वो 31 मई को होंगे और जांच नामांकन पत्रों की 1 जून को होगी और वही 10 जून को चुनाव होने हैं। तो कांग्रेस से गुलाम नबी आजाद, रणदीप सुरजेवाला, एमएल लाठर और भंवर जितेंद्र सिंह को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, देखते रहिए इंडिया न्यूज़ राजस्थान।